हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोली होली वर्ल्ड पर। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे लता सबरवाल के बारे में। कैसी रही है लता सबरवाल की लाइफस्टाइल, इनकी बायोग्राफी, इनकी फैमिली और इनसे जुड़ी सारी डिटेल हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इनका रियल नेम है लता सबरवाल और ये प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस हैं। इनका जन्म हुआ था 28 अगस्त 1975 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और साल 2020 के हिसाब से ये 45 साल की हो चुकी हैं, यानी 45 इयर्स की। और अगर बात करें लता सबरवाल की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, तो इनकी हाइट 5 फुट 4 इंच है, इनका वेट है 60 kg और इनका फिगर मेजरमेंट है 33, 26, 34। इनका आई कलर ब्लैक है और हेयर कलर भी इनका ब्लैक है। बात करते हैं दोस्तों इनकी फैमिली के बारे में। इनके हस्बैंड का नेम है संजीव सेठ और वो इनके को-स्टार थे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में। लता सबरवाल का एक बेटा भी है जिसका नेम है आरव और इसका जन्म हुआ था साल 2013 में और फिलहाल ये 7 साल का हो चुका है। दोस्तों बात करते हैं लता सबरवाल के करियर के बारे में। इनके करियर की शुरुआत हुई थी 1999 में जब इन्होंने गीता रहस्य सीरियल में द्रौपदी का किरदार निभाया था। उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे सीरियल्स में काम किया और इनके सबसे पॉपुलर सीरियल थे जन्नत, शक्ल का बुम बुम, वो रहने वाली महलों की, घर एक सपना और आवाज़ दिल से दिल तक। लेकिन दोस्तों ये सारे सीरियल्स इनको इतनी पॉपुलरिटी नहीं दिला पाए जितनी इन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता सीरियल से बटोर ली। ये एक ऐसा शो था जिसका हर कैरेक्टर फेमस हो गया था और इस शो में इन्होंने राजश्री महेश्वरी का किरदार निभाया था, यानी अक्षरा की माँ का किरदार। फिर इन्होंने डांस रियलिटी शो नच बलिए 6 में भी अपने हस्बैंड के साथ पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाई। और फिलहाल दोस्तों ये काम कर रही हैं ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल में। और अगर बात करें लता सबरवाल के फिल्मी करियर की, तो इन्होंने 2003 में इश्क विक्स फिल्म से अपना डेब्यू किया था। उसके बाद साल 2006 में इन्होंने विवाह मूवी में काम किया और उसके अलावा इन्होंने प्रेम रतन धनपायो में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था। लेकिन इतने सारे सीरियल्स और मूवीज करने के बाद भी इन्हें सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी इनके स्टार प्लस वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता से ही मिली है। इस सीरियल के कारण हर घर में लोग इन्हें जानने लगे थे। तो दोस्तों ये थी लता सबरवाल के बारे में एक छोटी सी लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप भी इनके फैन हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।